आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार एक्सीडेंट में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के बेटा और बहू घायल हो गए। सूचना मिलते ही जिले के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस हादसे में नंदी की बहू की नाक पर गंभीर चोट आई है। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को प्राइवेट गाड़ी से लखनऊ भेज दिया गया है। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे अभिषेक और बहू कनिष्का कार पर सवार होकर मंगलवार काय आगरा से लखनऊ की ओर आ रहे थे। कार में पति पत्नी ही मौजूद थे। जैसे ही उनकी कन्नौज जनपद के कार तिरवा थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 194 पर पहुंची, तभी तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर पलट गई। कार एक्सीडेंट में एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर लगे बिजली के 3 खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों घायलों को तिरवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां दोनों का इलाज करने के बाद उन्हें लखनऊ के PGI रेफर कर दिया गया है।